अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। जिस तरह से मुल्क भर में एक हालात नफरती माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसे लेकर मुसलमान कहीं तो भी सोच में है और वो कई सारे सवालात से घिरा हुआ है कि आखिर ऐसे हालात में क्या किया जाए, किस तरह से इसका मुकाबला किया जाए, क्या मुसलमान मुकाबला कर भी सकता है। बड़ी बड़ी तंजीमें, इदारे, उलमाए कराम, सियासी लीडरान बहुत कुछ कर रहे हैं, कोशिश नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन क्या वो कोशिश उस मियार तक है, क्या इसमें बचा जा सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि संभल में किस तरह गोलियों से मुसलमानों को भून दिया गया, फिर उन्हें मारने के बाद फिर गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की ही अमल में आई, और फिर तीसरा एक पहलू ये रहेगा कि फिर इसके बाद कितने घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा पता नहीं। खैर, बात वहीं से शुरू करते हैं और इस पर तबसरा करते हैं कि आखिर हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, किन रास्तों को इख्तियार किया जा सकता है। चलिए इस पर एक मुख्तसर तबसरा। आखिर ऐसे हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। जी हाँ, आज उमूमन मुसलमानों की जानिब से यह सवाल किया जा रहा है। यकीनन मुसलमान निशाने पर है, इसमें कोई शक नहीं। फिरका परस्त तंजीमें, फिरका परस्त पार्टियां चाहती हैं कि मुसलमानों को हिरासा किया जाए, इन्हें तकलीफ दिया जाए, इनके जज्बात से खेला जाए, इन्हें उकसाकर सड़कों पर लाया जाए। फिर जिस तरह यूपी फिलहाल जल रहा है, यूपी में बरेली, बहराइच, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, तो बिहार में सिवान, संभल, शेखपुरा, सहरसा, गुजरात में अहमदाबाद, वडोदरा, उत्तराखंड में हल्द्वानी, महाराष्ट्र में जलगांव, विशालगढ़, औरंगाबाद, अकोला, मुंबई, इस तरह दिगर रियासतों में भी फसादात का दौर दोहराया जा रहा है। कई जगहों पर भाजपा या हिंदुत्ववादी सड़कों पर उतर कर फसादात मचाते रहे। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि सड़कों पर बेखौफ होकर फसाद बर्पा करने वाले फिरका परस्तों को पुलिस नज़रअंदाज करती रहती है, लेकिन हमारे वजीर आजम खुले मन से ये कहते हैं कि दंगाइयों को कपड़ों से पहचाना जाता है। खैर, तकरीबन भाजपा इख्तदार रियासतों में ही फसाद को बर्पा किया जा चुका है। पिछले 5 सालों में 2900 फसादात बर्पा किए गए हैं, जिसमें जानी और माली नुकसान तो मुसलमानों का ही हुआ है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। मस्जिदों के नीचे मंदिर होने के दावे तो अब आम हो चुके हैं। संभल ही का देख सकते हैं कि कैसे एक ही दिन में अदालत सर्वे का हुक्म देती है और आर्कियोलॉजिकल महकमा मजहबी नारे लगाते हुए वहां पहुंचता है। आज हम जिस मौजू पर बोलने की जरूरत कर रहे हैं वो ये है कि क्या गोलियां सिर्फ मुसलमानों पर ही चलाई जाएंगी। अगर मुसलमान एहतजाज करता है तो इन पर UAPA टेररिस्ट एक्ट लगाए जाते हैं, और अगर फिरका परस्त ज़हनियत के अफराद एहतजाज करते हुए मस्जिद इबादत गाहों को नुकसान भी पहुंचाते हैं तो ना इन पर कार्रवाई होती है और ना ही इन्हें हिरासत में लेने की हिम्मत। इख्तदार में बैठे लोग करते हैं, ना पुलिस करती है, मतलब लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। खून मजलूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। खैर, शायर ने फिरौन के मुकाबले मूसा आने की बात कही है, और कुदरत का कानून भी है कि तकलीफ के बाद राहत, कानून ने कुदरत है। पर हर दौर में मुसलमानों को आजमाया गया है, आजमाया जा चुका है, आज भी आजमाइश से एक कौम मिल्लत गुजर रही है। मुखालिफ माहौल में ही कोई मुजाहिद पैदा होता है। खैर, बात आखिर मुसलमानों पर गोलियां चलाई क्यों जाती है जबकि फिरका परस्तों को आजाद छोड़ दिया जाता है। आज ही नितेश राणे ने जुमा की नमाज को तक बंद करने का बयान दिया, पर उम्मीदें वैसे खत्म नहीं हुई है। बेशक हालात मुसलमानों के हक में नहीं है, जुल्म जबर का दौर जारी है, आजमाइशों के पहाड़ और भी तोड़े जाने वाले हैं, पर क्या ऐसे हालात में मुसलमानों को क्या करना चाहिए। सियासी इल्मी दानिश्वर उस हद तक संजीदा नजर नहीं आ रहे जैसे होना चाहिए, क्योंकि आज भी मुसलमानों के मसाइल ही अलग हैं। अब तो बार बार उसी बात को दोहराना भी अच्छा नहीं लग रहा, लिहाजा ऐसे सख्त मराहिल से गुजरते वक्त कुछ तदाबीर को अख्तियार करना भी जरूरी हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तदाबीर के बहाने हम बुजदिली का मुजाहरा करें। बहराइच, संभल, हल्द्वानी, वडोदरा, जहां मुसलमान जान बख हुए हैं, ऐसी जगहों पर मुसलमानों पर गोलियां भी चलाई गई और फिर एहतजाज करने वालों को भी हिरासत में लिया गया। जज्बाती नौजवान वक्ती तौर पर जज्बाती हरकत कर जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा पूरे गांव को या वहां के मोहल्लों को भुगतना पड़ता है। अक्सर हमने देखा है कि क्या हम यूं ही खामोश रहे, आखिर कब तक चलता रहेगा, क्या हम बुजदिल है, क्या हमने चूड़ियां पहनी है, जैसे जुमले कुछ नौजवान इस्तेमाल जरूर करते हैं। पर सामने इंतजामिया हो या फिर फिरका परस्त चाहते भी यही है कि बहस तशद्दुद में बदल जाए। इसके बाद हमने देखा है कि
कितनी बड़ी कीमत एक तरफा चुकानी पड़ती है। बहराइच, मुजफ्फरनगर, अलीगढ़ और संभल में मुसलमानों की ही लाशें गिरी। खुद वहां के SSP गोलियां चलाने की बातें करते हुए वीडियो में देखा जा रहा है। मतलब जब सामने मुसलमान हो तो बिना किसी कानूनी दायरे के बेखौफ फायरिंग की जा सकती है। बात यहां नहीं रुकती, फिर गिरफ्तारियां भी एक तरफा अंजाम दी जाती है, फिर घरों पर बुलडोजर भी घुमाया जाता है और इस तरह एक समाज को ज़हनी गुलाम, डर खौफ के साए में रखने का काम मुनज्जम मंसूबों के तहत अंजाम दिया जाता है। इस तरह महज जज्बात में आकर कुछ हरकतों को अंजाम देना फिलहाल तो मुनासिब नहीं लगता। भले कुछ लोगों को आज का मौजू सही ना लगे, लेकिन दूरंदेशी फिरासत के साथ काम लिया जाए तो फिरका परस्तों को शिकस्त भी दी जा सकती है। आज भी कुछ लोग हैं जो मुसलमानों के हक में हिंदू होने के बावजूद लड़ रहे हैं। जो बात हमारे कुछ दीनी रहनुमा मेंबरों से नहीं करते, वो अपने YouTube चैनल के जरिए कहते हुए देखने को मिल रहा है। रविश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अरफा खानम शेरवानी, न्यूज क्लिक, द वायर, साक्षी जोशी, प्रज्ञा मिश्रा, ऐसे कई चैनल है जिनका जिक्र किया जा सकता है, जो बोलने की हिम्मत रखते हैं, जबकि मस्जिद की चार दीवारी में हम नहीं बोल पाते। मुसलमानों के बड़े बड़े दीनी सियासी इदारे तो है, पर कानूनी तहरीकों को और भी तेज किया जा सकता था। भले इंसाफ मिलने में देरी होगी या फिर इंसाफ नहीं मिल सकता समझिए, तो लोकतांत्रिक ढांचे गिराने की कोशिश जिस तरह फिरका परस्त कर रहे हैं, इसे कुछ हद तक संवारने का काम मुसलमान कर सकते हैं। और अब तक मुसलमानों ने ही तो किया हुआ है, दिगर समाज के लोगों से राब्ता करने की भी कोशिश होनी चाहिए। हमेशा मुसलमान अलग थलग ही रहता हुआ देखा गया है। किसानों के एहतजाज में भी जिस कदर हमारा रोल होना चाहिए था, नहीं हो पाया। इसी तरह दलितों पर हो रहे जुल्म सितम पर मुस्लिम समाज खामोशी नजर आया, क्योंकि इस समाज को अपने ही मसाइल क्या है मालूम नहीं, लिहाजा इस वक्त में दिगर लोगों से उम्मीद भी बेकार हो जाती है। इसके बावजूद जितने भी बचे कुचे लोग हैं, मतलब सेक्युलर लोग हैं, जो आज मुसलमानों पर हो रहे जुल्म को तस्लीम करते हैं, उनसे हम रब्ता बढ़ाए, उन्हें आगे करें। खास तौर से दलित समाज कभी हमारे साथ हुआ करता था, लेकिन अब वो भी मुसलमानों से दूरी अख्तियार कर रहा है। सिख समाज, ईसाई समाज वाले कर्नाटक या बेलगाम शहर में बहुत कम है, लेकिन उत्तर भारत में मुसलमानों का साथ दे सकते हैं। उन्हें आगे करके तहरीक को खड़ा किया जाए, बजाय सियासी सरगर्मियों में अपनी ताकत को ज्यादा सर्व करने के, इत्तेहाद को मजबूत करने की कोशिश करें। मुसलमान पहले आपसी इत्तेहाद को मजबूत करें, साथ में एक तबका सेक्युलर लोगों को तलाश कर उनसे ताल्लुकात को बढ़ाए। बात हजम ना होगी, लेकिन इसी तरह से कौमी नुकसान को कुछ हद तक रोका जा सकता है। बिलावजह जेलों मुकदमों में नौजवान नस्ल को जाने से बचाए और इसी कुव्वत को कौमी इत्तेहाद पर जोर देने पर तवज्जो फरमाए। एक ट्रैप जानबूझकर फिरका परस्तों की जानिब से इसलिए बिछाया जा रहा है ताकि इस नफरती खेल को जारी रखे, तभी जाकर ये लोग हुकूमत कर पाएंगे। महाराष्ट्र का इलेक्शन सोचने पर मजबूर करने वाला है। लोकसभा में अच्छी जीत हासिल करने वाला कांग्रेस हो या फिर उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज्यसभा में हार जाए, मतलब साजिश कहां तक चली जा रही है। आने वाले हालात और भी खतरनाक है, भड़काया जा सकता है, उकसाया जा सकता है। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, महज जज्बात से जंग इस बार जीती नहीं जा सकती। भले कमजोर ही सही, पर लोकतंत्र जमहूरियत या वो लोग जो अपने आप को सेक्युलर समझते हैं, इनकी आड़ में ही इस मिल्लत को बचाने की कोशिश की जा सकती है। यकीनन हमारा मालिक, हमारा कारसाज, हमारा पालनहार तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है, लेकिन अगर हालात को देखा जाए, क्योंकि मुसलमान दीन से दूर हैं, इनके अंदर वो जज्बा भी नहीं रहा जो कभी हुआ करता था। खैर, जैसा भी हो, मुसलमानों का होने वाले नुकसान को बचाने की कोशिश की जा सकती है। जो अपने आप को सेक्युलर समझते हैं, इन्हें आगे किया जाए, क्योंकि मुकदमे, बुलडोजर और गोलियां सिर्फ मुसलमानों पर ही चलती हैं, इसका ख्याल हमें होना चाहिए, इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा, इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।